हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और गाइस, मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और मैंने मास्क वास्क लगा लिया है अच्छे से। और अभी मैं थोड़ा सा, चलो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा कर रहा था। और आज देखो, यूजुअली रोज की तरह मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ठंडा हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है इधर, और आप देख ही सकते हो। और अभी मम्मा ने मेरे लिए बना दी हैं सूजी के चीले, और जो मैं कुरकुरे, कल मैं आपको अपना कुरकुरे नहीं दिखा पाया था, तो ये रहा वो। मैं आज वो स्कूल लेके जा रहा हूँ, और जो मेरे साथ बैठेगा बस मैं उसी को शेयर करवाऊँगा। गाइस देखिए, ये रहा मेरा कुरकुरा। और गाइस, अभी मम्मा ने, अभी मम्मा पापा जी के लिए सब्जी छोक रही हैं, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए इधर प्याज, नहीं प्याज नहीं है, प्याज चने की दाल, घिया चने की दाल बन रही है। ये घिया कट रहा है कितनी मज़ेदार तरीके से, और ये चने की दाल है, और देख सकते हैं छोका में जा रही है मम्मा। इसके अंदर चने की दाल, और पापा चने, घिया चने की दाल, और अच्छी लगती है। और गाइस, मेरे को तो करेले चने की दाल बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी। जब पिछले से पीछे लॉकडाउन थे ना, तो गाइस एक बार मम्मा ने बनाए थे करेले चने की दाल, तो इतने टेस्टी बने थे मैं आपको क्या बताऊं, और बहुत ही मज़ा आया था उसको खाने में। गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, अक्षित स्कूल चला गया है, और मैंने इनके लिए छोंक दिया बढ़िया टेस्टी सा चने की दाल, जो आप देख सकते हैं। और कई लोग तरी दाल बनाते हैं, हम लोग सूखी बनाते हैं। इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डालूंगी मैं, बस पकने लाए, और इसे पका दूंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा बनाया, इसलिए मैंने छोटे कुकर में बनाया, बिकॉज फास्ट है मंडे का, एंड अक्षित और यही दोनों खाएंगे। मैं तो शाम को फिर फास्ट वाला बनाऊँगी विदाउट गार्लिक और अनियन का। और गाइस, जल्दी से मैं सोच रही हूँ काम निपटा लूँ, फिर वॉक करने जाऊँ, बिकॉज वॉक इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड ऑल्सो डॉक्टर रिकमेंडेड मी दैट यू शुड वॉक डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर। तो मैं जल्दी से सब्जी छोंकने के बाद झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, पोछा भी लगा देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ वॉक से। आके फटाफट नहा के पूजा कर लेंगे, बिकॉज आज मंदिर भी जाना है, मंडे है। और गाइस, आज मैंने पता नहीं क्या इतना गंदा सा सपना देखा ना, मेरी आँख अपने आप ही खुल गई। बहुत अजीब सा सपना देखा मैंने कुछ दिनों से ना, मुझे बड़े गंदे गंदे से सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है ऐसा हो जाता है कई बार कि कुछ हम सोच रहे होते हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, वो हमें दिख जाती हैं। और बाहर का आ रहा, आप देख सकते हैं इतना बढ़िया लग रहा है। मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है कि अंदर बिल्कुल बैठो ही मत, ऐसा लगता है बाहर ही बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। और कल मेगा मार्ट गए थे, तो वहाँ से थोड़ा सामान वामान लेकर आए हैं, और वो भी सेट करना है, घर भी सेट करना है। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद नहा धो के, और मे भी अगर पॉसिबल होगा तो मैं वॉक की वीडियो भी बनाऊंगी। जाती हूँ अभी पा। सो गाइस, आज योगा की छुट्टी हो गई है, क्योंकि आज मैम की अनलकीली तबीयत खराब है। मैम बोल रही हैं आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, तो आज मैं योगा नहीं कराऊंगी। तो मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो आप मत कराइए, रेस्ट कीजिए। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और क्लाइमेट चेंज से इतना ज़्यादा सबको प्रॉब्लम हो रही है। बोलो, कल लेके आया था ये मैं गाइस। हेलो करो, से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। और देखिए गाइस, मैंने योगा मैट भी बिछा लिया था योगा करने के लिए। मैम से बात हुई, मैम ने बोला मेरी तबीयत खराब है, तो फिर मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ एक सेकंड, तो मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे फिर मैं वीडियोस रील्स बनाने लगी, क्योंकि फिर पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में नहा के पूजा वूजा करके जब बैठती हूँ तब रील्स बना लेती हूँ 2-4-5, तो बस पूरा दिन हो जाता है मेरा, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और ये वाली जो टी शर्ट मैंने डाली है, कल मैं मार्ट से लेके आई हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और मेरे ऊपर ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे खुद फील हो रहा है कि हाँ ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। और ये देख लीजिए जो गन है वो दिखा रहा है, और भाई साहब नहाते नहीं है, और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं अपनी फेवरेट, और कसने जा रहे हैं अपने ग्रेटर से। और आ रहा मंडे का फास्ट महादेव का, तो आज हम चाय पियेंगे
और उसके बाद पढ़ाएंगे ट्यूशन, बिकॉज जो विनय है मेरा स्टूडेंट है वो शाम की शिफ्ट में जाता है तो उसको इवनिंग में आने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो 3 डेज जो है 11 o'clock आता है, 11 to 12 मुझे मैं उसे पढ़ाऊँगी। तो गाइज अब लगते हैं काम में, और गाइज प्लीज़ आप लोग व्यूज़ ज़्यादा दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं दे रहे हैं दीज डेज, आई डोंट नो वाई, सो प्लीज़ दीजिए, हम लोगों को आगे बढ़ाइए, हम लोग मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, आप मानेंगे नहीं एडिटिंग करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, कई कई बार तो कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा से करनी पड़ती है, कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा से करनी पड़ती है, एडिटिंग इज सो टफ, यू नो व्लॉग बनाना इतना टफ नहीं है जितना एडिटिंग करना टफ है, और एडिटिंग में करने में मेरा बेटा मेरी मदद करता है, अक्षित कार्तिक, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से आती है एडिटिंग वगैरह, मुझे सीरियसली नहीं आती, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये पता है हाँ ऐसे करते हैं, बट वो बहुत अच्छी तरीके से करता है कि मम्मी इसमें ये करो, मम्मी इसमें ये इमोजी डाल देता हूँ, मम्मी इसमें ये कर दे, तो बस वही है, थोड़ा सा बच्चा भी मेहनत कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो आप लोग गाइस सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझको, और आगे बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्यूज़ और अच्छी अच्छी जगह जाऊँ और आपको दिखा सकूँ, ठीक है। और गाइस ये देखिए भाई साहब पेठे का बहुत, माता जी को तो ये जा के मंदिर में वही ले लेके आ रहा है, देखो बहुत मारूंगी मैं, एक खा लिया है ना, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। और गाइस प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं सोच रही हूँ हेयर कट करवा लूँ, मैं परेशान हो गई लंबे वालों से, एक तो लंबे बाल हैं और पतले बहुत हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर कट करवा लूँ, मेरे हस्बैंड को तो पसंद है नहीं छोटे बाल, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हेयर कट लेती हूँ, लेना चाहिए हेयर कट ना साल में एक बार, तो बहुत टाइम से मैंने हेयर कट। गाइस अभी मैं कर रहा हूँ साइंस के फर्स्ट चैप्टर का याद, और मम्मा ने मेरे को दिया था याद करने के लिए, और अभी मम्मा साफ सफाई कर रही है, और देख सकते हैं ये रही मेरी नोट, अभी मैं याद कर रहा था साइंस का, और ये मैंने पिक्चर प्लांट का डायग्राम बनाया था, आपने देख लिया, और क्या बोलते हैं अभी भाई फिर से छिप कर ही आ चुके हैं, और हम इतना परेशान आ रहे हैं कोई नहीं आ रहा, फिर गाइस हमने मनीष मामा को फ़ोन किया क्योंकि वो इधर ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में, तो वो आ रहे हैं, तो फिर वो छिपकली को भगाएंगे, और इतने परेशानी हो जाती है जब छिपकली आती है, गाइस आपको क्या बताऊं मैं, कमेंट में बताना कि आपके घर में भी छिपकली आती है, और फिर आप कैसे भगाते हो, कुछ उपाय बताओ छिपकली भगाने के। तो गाइस और इधर मम्मा थोड़ी सी झाड़ू लगा रही है यार, गाइस मेरा दिमाग खराब हो जाता है, नाना लोग रोज बोल देते कि मैं आऊंगा आऊंगा, आज भी बोल दिया और फिर आते नहीं है, चकमा दे देते हैं। और ये देखिए गाइस, और अच्छा तो आपको, अच्छा आपको कैसा लग रहा है क्योंकि नाना नहीं आ रहे? अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा अच्छा ही लग रहा। और क्या कर रहा है अभी? सो गाइस कल ये विशाल मेगा मार्ट से लाया था गन, तो इस गन का नाम क्या है? ओ बेटे गन का नाम भी याद है, कार 98 के। आपको गन्स क्यों पसंद है? पिछले जन्म में डॉन था। ओ भाई बच के रहना पड़ेगा तेरे से तो हैं? और ये देखिए गाइस आपको गोली दिखा रहा है, इसने अपने आप बोला है, किसी ने बोला इसको, कह रहा है मैं पिछले जन्म में डॉन था। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाई वढ़ाई करके, और आज हम पार्क नहीं जा पाए, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। गाइस अभी मामा आ गए छाने के लिए, तो ये बैठे अभी दोनों की बातें चल रही है, और ये कुल्हाड़ी मार के दिखा रहा है मामा को, देख सकते हैं। तो किसने बनाई है कुल्हाड़ी? कार्तिक क्या होता है भाई, होता है कार्तिक, किसने बनाया कार्तिक होता है कि भाई? सो गाइज बच्चों को पढ़ा दिया है, 11 से 12 में बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, और आज थोड़ा सा वर्क लेट हो गया क्योंकि बीच में बच्चे आ गए थे, तो फिर उन्हें उनको टाइम देना ज़रूरी होता है, और साथ में ही मैं आज भले छोले रेसिपी जो कि आपको पसंद है, और ये हमारा पिंडी छोले का मसाला ही कुछ ऐसा है कि ये ऐसा दिखता है, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आता है ना छोलों का, बता नहीं सकती। और मैं दिखा, ये छोले बॉयल कर लिए मैंने, बहुत थोड़े ही करे हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं करे, फिर वो ना बासे ज़्यादा खाने नहीं चाहिए, फिर गैस वगैरह बनती है ना।
तो ये बन रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही में मैं बनाऊंगी आज भटूरे बच्चों के लिए, दो दो। खैर छोटे को तो नहीं देती मैं मैदा वैदा, दो दो खा लेंगे हम लोग। तो उसमें मैं क्या करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैदा डालूंगी, थोड़ी सी सूजी और ज़्यादा आटा डालूंगी। तीनों चीज़ों का मिक्सअप करके फिर मैं डो तैयार करूँगी, और इसमें मैं दही भी डालूंगी। दही डालती हूँ उसके साथ में, नमक डाल दूंगी, थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और गूंद के रख दूंगी। शाम तक ये प्रिपेयर हो जाएगा बढ़िया। और अब मैं बढ़िया तरीके से इसमें छोले, गाइस स्टूडेंट्स आ गए हैं और मैं जाती हूँ उन्हें पढ़ाने। और सब लोगों को मैंने बोल दिया है कि भाई मास्क जो है वो मैंडेटरी है, बिकॉज आपको पता ही है जैसे केसेस जो है वो राइजिंग हो रहे हैं दोबारा। तो मैंने सबको बोल दिया है, भी एक लड़की आई थी उसने मास्क नहीं पहना था, मैंने कहा बेटा पहले जाओ मास्क लेकर आओ, आफ्टर देन आओ। और बाकी मैं भी बस जा ही रही हूँ, मास्क पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मास्क जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मास्क के बिना नहीं हो सकता। और ये भाई साहब यहाँ जिद कर रहे हैं, तो मैं इसे उठा दूँ कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना है। उठ जा बेटा, ये संभालता है क्योंकि इसको छोटे को। बाबू कार्तिक उठ बेटा, उसे पकड़ देगा, बच्चों के साथ परेशान कर रहा है, पढ़ाने नहीं दे रहा मुझे। आ जा जल्दी आ जा, उसको मोबाइल चला के दे दे, चल। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे यहाँ पे पिंडी छोले बनाए हैं, और बहुत मस्त से दिख रहे हैं ये, एकदम जैसे बाहर बनते हैं। और अब मैं जा रही हूँ ये भटूरों का आटा लगाने के लिए, फिर आपको बताती हूँ कि मैं कैसे मैंने आटा लगाया, ठीक है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी है। तो गाइस बार बार सब आप लोग कहोगे कि ये बार बार एक ही रेसिपीज बार बार शेयर करती रहती है, इसीलिए मैंने वो वाली रेसिपी नहीं शेयर की है। सो चलते हैं आटा लगाने, उसके बाद बच्चों को सिलाती हूँ। मुझे क्लासेस देनी है क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास है, तो बच्चे आएंगे। सो गाइस मैंने थोड़ा सा खाना बचाता हूँ, छोले भटूरे, और अब हम इसी के साथ अपना व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय।